ऐसे तो नहीं होने वाला ये साफ। हाँ जी, तो हर्ष भाई और मोहित भाई अभी गए हैं जिम, और मेरा मन नहीं था जिम मारने का क्योंकि अभी मेरा एक डेढ़ महीने से जिम छूट रखा है, और अब एकदम से मारूंगा तो अगले दिन पेन होने लगेगा बॉडी में, और मैं ट्रिप पे ये चीज नहीं चाहता। तो मैं जा रहा हूँ स्विमिंग के लिए, स्विमिंग बड़ा मजा आता है भाई करने में, तो चलते हैं स्विमिंग के लिए। रेडी स्टडी गो। मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ। हाँ जी दोस्तों, तो स्विमिंग वगैरह हो गई मेरी, और हर्ष भाई मोहित भाई अभी कर ही रहे हैं जिम। मैं यार कुछ खाने का सोच रहा हूँ क्योंकि दो दिन से ना पेट की बैंड बजी पड़ी है। मतलब हम सुबह तो अच्छा ब्रेकफास्ट कर लेते हैं और दिन तक रात तक में हमें वही खाना पड़ता है, कुरकुरे चिप्स ब्रेड। अभी मेरे को एक ऐप पता चली है यहाँ पे, कुछ नाम है इसका तलाबत करके ऐसी कुछ ऐप है, तो उस पर शायद फूड डिलीवरी होती है। अभी मैं देखता हूँ, इस पर एक्सप्लोर कर रहा हूँ क्या है नहीं है। क्या है? अल कीजी फॉर ट्रेडिशनल फूड। मेरे को खाना है दाल चावल। अब दाल चावल मिलेंगे नहीं मिलेंगे वो देखता हूँ। A few moments later. हाँ जी, तो आ गया चिकन राइस। एवरेज है जी, एवरेज है जी, एवरेज। हाँ डन है ब्रो, सब मिलेगा, सब मिलेगा, सबको सबका मिलेगा, सब लेंगे भाई एक दूसरे की। यू नो हिम? Yeah, he watch my videos. तो सारे हम लोग रेडी हो चुके हैं, अब निकल रहे हैं बाहर बकचोदी करने। थोड़ा बहुत हो गया भाई फीफा फूफा, अब करेंगे बकचोदी फुल पावर। हाँ जी दोस्तों, तो अब हम लोग पहुंच गए हैं, अभी हम लोग जा रहे हैं फैन क्लब। जो प्रेम सर हैं उन्होंने हमें बुलाया कि यहाँ पे भी आप लोग बैठ के फीफा वगैरह देख सकते हो डिस्प्ले पे। काफ़ी अच्छा माहौल लग रहा है इधर, तो पहुँच गए हम लोग, बस एंट्री ले रहे हैं इधर। ये है इसका क्या नाम है भाई, फैन विलेज, फैन क्लब या फैन फेस्टिवल? फैन फेस्टिवल है। अच्छा फैन फेस्टिवल, ओके। हमारा कैमरा वापस रखवा लिया गया है, तो अब हम फोन से कर रहे हैं कंटिन्यू ब्लॉग। ये आपको मैं क्लिप दे दूंगा, मेरे में स्पेस भी नहीं है, मैं आपका शूट कर दूंगा, आपको दे दूंगा। काफी बढ़िया जगह है यार ये, मतलब सही है, अगर आपको फ्री में देखना है तो यहाँ बैठ के देख सकते हो, बस आपके पास हैया कार्ड होना चाहिए। बोलना चाह रहा हूँ, भाई बोल रहा बोलता रहा। हाँ आपके पास हैया कार्ड होना चाहिए, आप यहाँ पे फ्री में बैठ के मैच के मतलब मजे ले सकते हो। बढ़िया खाना पीना सब कुछ है। एक रिपोर्ट पूर्व ने दे दी, दूसरी रिपोर्ट भी दिलवा दो उधर से। तो गाइस हम आ चुके हैं आनंद विहार रेलवे स्टेशन, कृपया ध्यान दीजिए। बस अड्डा बना रखा है। हाउ टू फील नाउ ऑफ एन इशू दैट हैज बीन सेट। गाइस आज का मैच हो गया ड्रॉ, जर्मनी भाई। आज की रात अमेजिंग नाइट, मजा ही आ गया यार। फीफा क्या है यार, तुम लोगों को जाना चाहिए। हाँ थोड़ा एक्सपेंसिव है सॉरी, बट जाना चाहिए। मैं तो ब्याज पे गया हूँ। तो हमारा आगे का स्टे है वो है फैन विलेज में, तो हम लोग जा रहे हैं अभी, निकलते हैं, वहाँ पहुँच के आपको दिखाते हैं क्या सीन है, क्या माहौल है। और हर्ष भाई का तो आज मैच भी है, अब देखते हैं मैं और मामा क्या बकचोदी करते हैं। हर्ष भाई तो जाएंगे मैच देखने, तो जो भी होगा बताते हैं आपको। तो अभी अभी हर्ष भाई ने थोड़ी सी कंजूसी कर दी है, ठीक है, कैब कैंसिल कर दी, मैंने जो कैब करी थी उसी में जा रहे हैं सारे। ये वो कंजूस आदमी देखो, उसमें लिखा है कि ड्राइवर कैंसिल द कैब। थोड़ी देर में तू भी आता, ये भाई भी कर देता। कोई नहीं, जर्मनी जर्मनी। पहुंच गए दोस्तों फैन विलेज, अभी देखते हैं यार अंदर क्या सीन है। जो गर्मी लग रही है गलत भाई, गर्मी तो है। चलो 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 भाई, ऐसा लग रहा है रिफ्यूजी कैंप सही में वही लग रहा है। देखो कैसा है भाई, हम तो शुरू होते ही खत्म हो गया यार, मतलब गजब खराब व्यवस्था है। दो दिन अय्याशी वाली जिंदगी जी, अब बताओ कुत्तों वाली जिंदगी जीने पड़ेगी।
हम लोग भी पोर्चुगल ही सपोर्ट करेंगे, लेकिन स्टेडियम में नहीं, पैसे नहीं हमारे पास टिकट के। तो मैं मामा वगैरह जा रहे हैं एक स्ट्रीट पे, वहाँ बैठेंगे बढ़िया, वहाँ शेखों के साथ बैठ के बढ़िया मैच देखेंगे, पोर्चुगल को सपोर्ट करेंगे। यस। और निकल रहे हैं अभी कतार यूनिवर्सिटी मेट्रो स्टेशन के लिए, वहाँ से निकलेंगे ये लोग स्टेडियम, और हम लोग जाएंगे पहले अपना बैग लेके आएंगे कैमरे वाला, देन उसके बाद अंदर ले चलो गाड़ी। पंजाबी बाग रोक देना, पंजाबी बाग आज बस भरी हुई है भाई, बढ़िया। बाय गाइस, एंजॉय द मैच, बहुत मजा आने वाला है तुम लोगों को। रोनाल्डो भैया को हाय बोलना, मेरा बोलना लव फ्रॉम खड्डा कॉलोनी, बाय। गांड तो जल रही है, रोनाल्डो को देखेंगे, और आज की सीट इन लोगों की काफी नीचे की है यार मामा, कोई बात नहीं, इतना फर्क नहीं पड़ रहा क्योंकि मेरे को मैसी को देखना था, क्योंकि मैं उन्हीं को ही ज्यादा पसंद करता हूं। यार शीशा 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 तोड़ेंगे आज, शीशा तोड़ेंगे, गुड, शीशा तोड़ेंगे, बढ़िया मैच देखेंगे उधर बैठ के। टन टन, मिल गया भाई बैग, अब होगा क्वालिटी चेंज। हाँ जी, हो गया क्वालिटी चेंज, अब चमक रहे हैं बढ़िया। अब जा रहे हैं यार, कुछ खाएंगे पियेंगे, बैठते हैं, मैच देखेंगे हम लोग, अभी पोर्चुगल वाला मैच देखने का वेट कर रहे हैं। अभी चल रहा है किसका, ब्राजील वर्सेस स्विट्जरलैंड ना, बढ़िया बड़ा मैच है ये भी, क्योंकि काफ़ी क्राउड आया हुआ है यहाँ पे, तो कल से बहुत ज़्यादा क्राउड है यहाँ पे। हम ब्राज़ील वाले मैच में इंटरेस्टेड है नहीं, हमें तो देखना है। यहाँ पे पेट्रोल 20 रुपये लीटर है, मतलब कितना रियाल, 1.5 रियाल का पेट्रोल है पर लीटर, मतलब 30 रुपये पड़ा है इंडियन उसमें, 20-30, फिर भी भाई कितना सस्ता है, जो पूड़ियाँ तलते हैं यहाँ पे पेट्रोल में, पानी की जगह पेट्रोल पीते हैं लोग। हाँ पानी हमें अभी अंदर पड़ रहा है, फैन विलेज में हमें पड़ रहा है 115 रुपये की छोटी बॉटल, जो 250 ml वाली, 300 ml वाली जो बॉटल होती है वो पड़ रही है भैन चो, हमें 115 रुपये। होटल वोटल में भी पानी प्रोवाइड नहीं करते, एक बार ही देते हैं फिर नहीं देते। हमारे विला में तो सही था भाई, भर भर के पानी पिया हमने, वही लास्ट पानी पिया अभी तो भाई, आज सुबह से पता है पानी नहीं पिया हमने ढंग से, पी नहीं पा रहे, महंगा पैसा नहीं है, कहाँ से आएगा पैसा, गरीब। पहुँच गए दोस्तों इधर, सुख वाकिफ जाना है ना, सुख वाकिफ, बहुत सुंदर है यार ये जगह, पर उम्मीद करते हैं इधर कुछ अच्छा खाने को मिल जाए, क्योंकि 3 दिन से ना सही बताऊँ एक भी दिन अच्छा खाना नहीं खाया है, वाहियात खाना, बिल्कुल वाहियात खाना, उम्मीद करते हैं कि आज मिल जाए कुछ अच्छा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है खाने के। लेट्स सी। हाँ जी दोस्तों, तो टेबल मिल चुकी है अपने को, ये देखो ऑर्डर चल रहा है अभी खाने का, और नॉर्थ इंडियन ढूंढ रहा था मैं बट मिला नहीं है अभी यहाँ पे, अभी पिज़्ज़ा मंगाया हमने, पिज़्ज़ा और जूस, उसके बाद कुछ खाते हैं फिर घूमेंगे और तुम्हें दिखाएंगे। और ये स्ट्रीट काफ़ी अच्छी जगह है यार, बहुत हैपनिंग है, मतलब मज़ा आ रहा है, अच्छी वाइब है, काफ़ी सुंदर। अभी मैं अपनी मम्मी को कॉल कर रहा हूँ वीडियो कॉल, और उनसे एक्टिंग करूँगा कि मैंने बहुत शराब पी ली है मम्मी बाहर इधर। हेलो मम्मी, बहुत शराब पी ली मैंने, मम्मी बहुत दारू पी ली मैंने, कुछ समझ नहीं आ रहा मम्मी मम्मी कह रही है मारेंगे, नहीं मम्मी पागल हो गया, वाटरमेलन जूस पी रहा हूँ, एक्टिंग कर रहा था व्लॉग के लिए। ये देखो इधर, नमस्ते आंटी, नमस्ते अंकल जी, कैसे हो आप, जल्दी आपसे मिलने आऊँगा मैं आपके नए घर पे, मुझे जल्दी से इनवाइट कर दो और मुझे खाना खिलाओ अपना घर का, अभी रेडी हो जाएगा ना पूरा घर तब सबको बुलाऊँगा, अभी हो ही रहा है, चलो। मैं कहता हूँ तेरे पापा को और मेरे पापा के साथ मिलवा दिया ना, और ये जो दो दो पैक, दो दो बढ़िया हो जाएगा टॉनिक के साथ। गाइस पहुंच गए हैं अपने फैन विलेज वाली जगह पे, आज बहुत थक गए, गांड फट गई, चल चल के मत छुओ मामा मेरा मैटर, मामा यार उंगली करता रहता है। हाँ तो पहुंच गए इधर, आज का कोटा खत्म करते हैं यहीं पे, कल का करते हैं जो भी सीन है। डे 4 हो चुका है और हमने अभी तक सिर्फ एक मैच देखा, हम सोच रहे हैं एक और टिकट अरेंज कर लें, तो अभी हम आए हैं DECC, यहाँ पे टिकट्स और हया कार्ड वगैरह मिलते हैं, बट टिकट्स तो अब ऑनलाइन और वैसे तो सब जगह बंद हो चुके हैं, पर अभी हम जुगाड़ेंगे, किसी के पास अगर हो तो वो हमें दे दे, लेट्स सी मिलता है या नहीं मिलता, हमारी किस्मत अच्छी होती है या नहीं होती है, देखते हैं। दिन भर सर पाँव मारा पर टिकट कहीं नहीं मिली, तो अब जा रहे हैं फ्री का देखने पेन फेस्टिवल में, हाँ वहीं पर आप देख सकते हैं और कोई ऑप्शन ही नहीं है, बाकी छोटे छोटे डिस्प्ले पे मज़ा नहीं आता, वहाँ एक बहुत बड़ा डिस्प्ले है जो मैंने पहले भी दिखा रखा है, तो
चलते हैं वहीं बैठेंगे, वहीं मस्ती करेंगे। और आज भी हम कर रहे हैं अर्जेंटीना को सपोर्ट भाई, अर्जेंटीना वर्सेस पोलैंड। तो ऑल टाइम मेसी, हर्ष भाई ने एकदम एक नंबर जर्सी पहनी हुई है, सेक्सी लग रहे हो भाई। अच्छा बहन के लेने दो। ओ भाई क्या सेक्सी लग रहे हैं यार सारे। एक बार जिम फ्लेक्स मार दो भाई, जिम फ्लेक्स मार। अरे मारो ना, अरे जिम का चौदह है, देखो भाई देखो। गाइस गोल हो चुका है अर्जेंटीना का एक, ये देखो। आखिरी 10 सेकेंड, is going to continue. Will Robert Lewandowski's and Poland's journey continue? One more time. मौज ही काट दी भाई, मजा आ गया भाई, मजा ही आ गया। क्यों हर्ष भाई मजा नहीं आ गया आज? फुल मजे भाई। हाँ जी दोस्तों, क्या हाल चाल है? तो आज है हमारा day 5, मतलब अब हमें जाना है कल, और आज हम जा रहे हैं शॉपिंग करने। बहुत सारी शॉपिंग करेंगे, बहुत सारी नहीं, कम ही करूंगा यार, क्योंकि बैग में बिल्कुल स्पेस नहीं है ले जाने के लिए। देखते हैं क्या क्या लेना है। जैसा सा है, सुंदर लग रहा है, अभी देखते हैं अंदर जाके क्या कैसा है माहौल। देखो जी नोएडा वाला ग्रैंड वेनिस मॉल आ गए। इधर भी जा रहा ही घूम रहे हम, कुछ देखते हैं अलग मिल जाए तो ठीक है। जा रहे हैं पर प्राइस चेक जैसे ये हुआ तेरा कितने का है? 200। कितना हो गया? बैगन ऐसा कुछ लग रहा हूँ मैं, डोरा द एक्सप्लोरर का भाई। क्या आपको इधर एक रेड जैकेट दिखाई दे रही है? मुझे भी दिख रही है, गांव की अंधी नहीं हूँ मैं। जी दोस्तों, तो जैसा कि मैंने कुछ नहीं लिया क्योंकि मैं गरीब हूँ, मेरे माँ बाप गरीब हैं, मेरे माँ बाप ने मेरे को गरीब पैदा किया। भाई इधर कोई चोर बाजार नहीं है क्या आसपास? कार्ड ले लिया दोस्तों, अभी जा रहे हैं वहाँ गेम खेलेंगे। गेम क्या, राइड लेंगे, राइड, यही राइड लेंगे आज, यही राइड लेके जाएंगे। कितने की? 35 रियाल की एक राइड है, और 35 आपका इंडियन रुपीस में पड़ेगा, 800 रुपये। बहुत महंगा है, दुर्गा बिल्डर ज़्यादा बेस्ट है भाई, 200 रुपये में सारी राइड। क्या हो गया, गुंड फट की पर ना आने? हर्ष भाई को डर लग रहा है, मैं तो बिल्कुल नहीं डर रहा, सेफ रहा, बस मेरे को थोड़ा सा पेशाब आ रहा है, बस वो फोन आ जाए। अबे साले, एक नंबर की झाटू राइड थी, एक नंबर कह रहा हूँ, एक नंबर की झाटू राइड भाई। इमेजिका के आगे कुछ भी नहीं है। इमेजिका से कहाँ कंपेयर कर रहे हो भाई, वो तो देखा हुआ है भाई, उसका यूट्यूब पे कांड पड़ा है भाई, चल रहा है इमेजिका भी, चल रहा है। एक बार इमेजिका तो चलो एक बार, बस आंखें बंद हुई उसके बाद तो बचकानी राइड। क्या मैं खोलूंगा दुकान ऐसी, एक पेरिस सेंट जर्मनी जाओ वहाँ पढ़ाई करो, पेरिस सेंट जर्मनी है ब्रो, दोस्तों आज है day 6 यानी लास्ट डे, बस आज जा रहे वापस दिल्ली। ये देखो यार इधर का मौसम ना, दिन में प्रचंड गर्मी और रात को प्रचंड ठंड, मतलब बीमार होना ही है इंसान को, और मैं बीमार हो चुका हूँ भाई। मेरे को गलत ही सर्दी जुकाम, रात को फीवर भी था, इसलिए मैं ज़्यादा व्लॉगिंग भी नहीं कर पाया, मैं आके सो गया था, ये लोग फुटबॉल वगैरह खेल रहे थे। बहुत बुरा हाल है भाई इधर। मामा अरे कितना सोएगा, फुल नंगी हो गए, मुझे भी चाहिए। दोस्तों उस दिन भी रूम का हाल दिखाया था मैंने जिस दिन आए थे, आज देखो रूम का हाल, देखो देखो जी देखो क्या हाल हो रखा है।
अच्छा जूम आउट करता हूँ, रुको। अब देखो भाई साहब, ओखला की पहाड़ी बना रखी है कूड़े वाली जो है ना। ओए होए छी भाई, हमसे तो नहीं होने वाला ये साफ। एमसीडी वालों को कॉल करना पड़ेगा ये। हाँ जी, तो पैकिंग शैकिंग हो गई है कैसे ना कैसे करके। मैंने ये बैग भर ही लिया, अगर मैंने इसका हल्का सा भी चेन खोल दिया ना तो ये हग देगा बैग, बिल्कुल हग देगा। इसमें बिल्कुल स्पेस नहीं है। अभी हर्ष भाई की बाकी है, पैकिंग चल ही रही है सबकी, तो निकलते हैं अब यार। हो गया, उग गए भाई, पक गए भाई कतार से। चलो हाँ निकलते हैं, चलो चलो चलो। इन भैया ने हमें बढ़िया बिरयानी खिलाई है यहाँ पे, सही बता रहा हूँ। यहाँ सारे स्टॉल फुद्दू हैं, इधर बस बिरयानी बढ़िया है। लगा दो भैया एक फटाफट बढ़िया सा। चिकन में था? हाँ चिकन बिरयानी। हाँ जी, तो ये रही अपनी बिरयानी, मैं दिखा दूँ, कुछ ऐसी दिखती थी जो हम चार दिन से खा रहे हैं। टेस्टी है भाई, नो डाउट टेस्टी है। बाकी सब सही बता रहा हूँ, ऑनेस्ट रिव्यू दे रहा हूँ। सब कुछ ट्राई किया, सब बेकार है भाई, इधर सब कुछ बेकार है। उफ़, इसने जान बचाई है भाई। बहन तो शाम को ऐसी हो जाती है जगह कि शादी में आए हुए हैं, यहाँ स्टॉल लगे टिक्की चाट, समोसा चाट। मंडोप की तरह, मंडोप, मंडोप की तरह। सबको अपने साइज की फुटबॉल मिली थी, इसको ये मिली है। हमारे लिए इतनी थी, कह रहे मेरे लिए ज़्यादा बड़ी होगी। आता नहीं खेलना, मेरे को हटा दिया, मेरी जगह ले लिया इसको, विल स्मिथ को। भाई समझ के बोल रहा हूँ यार, बुरा लगता है। बाय बाय ज़ाफ़रान विलेज, चलो अब दिल्ली। अरे भोसड़ी के मादर चौक बहन के लोड़े खुल गया, मैं इंडिया में नहीं हूँ, सॉरी ब्रो। अरे यार, एक तो इधर लेफ्ट साइड ड्राइविंग होती है, हमेशा भूल जाता हूँ। भले कतर मतलब ज़्यादा पसंद आया हो ना आया हो, बट जो इनका एयरपोर्ट का सिस्टम है भाई, बहुत एडवांस है लोग, बहुत ही एडवांस। क्योंकि जब हम लोग इंडिया से बोर्ड कर रहे थे फ्लाइट, एटलीस्ट हमें 2.5 घंटा लगा था भाई सिक्योरिटी चेक इन इमिग्रेशन। यहाँ पे 15 मिनट में सिक्योरिटी चेक इन और इमिग्रेशन भी हो गया, सब कुछ डिजिटल है भाई, मतलब सही है यहाँ पे, बहुत सही है सिस्टम इन सब चीज़ों का। दोस्तों हो गए लैंड अपनी दिल्ली। इन्होंने जेडी से हनी खरीदी, हनी शहद लिया और दो बैग मिला, पापा के लिए सामान लिया, पापा के लिए सामान लिया। हर्ष भाई रोस्ट, सेम जोक मैंने इस पे मारा था, इसने कॉपी करके मारा। ए भगवान, मामा क्लास में कुछ जोक मारता है, एक तेज मार देता है। कॉपी करने वाले से और नफरत है हमें। ब्लॉग में 2 हफ्ते पहले मार चुका हूँ तेरे शिवम को, ये मुझे सिखाएंगे कॉपी करते हैं। पहले तुम दोनों लड़के आओ, किसका है इन्हें पहले बोलो, रील तो ओरिजिनल बनाए। अलविदा, अलविदा दोस्तों, बाय मामा, बाय अर्शु भाई, मिलते हैं पश्चिम बिहार, गुड बाय। चलो दोस्त लोग आ रखे हैं, वेट कर रहे हैं, चलते हैं उनके पास फटाफट, मिल के आता हूँ, गंदी गंदी शक्लें देखूंगा वापस से। यस, हर देश घूम रहा था, अच्छी अच्छी शक्लें देख रहा था, ये देखो। छी यार, ऊद लायो तो ऊद, बदबू मार रहे हो तुम लोग बहुत। ऊद लायो, ऊद लगाओ थोड़ा सा। ए भगवान, ऊद नहीं पता। सेंट पता है, कोबरा भोसड़ी के सेंट। हाँ। स्पिंजडियो। फाइनली घर का खाना। गाइस दिस इज दाल भात चोखा, जो कभी ना दे धोखा, तो ये खाना चाहिए, बहुत टेस्टी होता है और घर का तो आहा मजा आ जाएगा आज। आहा इससे बेस्ट कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं। एक रतीने सुहैल गए उत्ता के खाना हमारा, चाय टाइम तो सब मैदा ही खाए छे, मनुख के नाम पर झोरे छे सब। एगो बस भेटल बिरयानी वाला, जे बिरयानी खाए रही है, बाकी हर जगह बर्गर पिज्जा यह सब भेट रहा थे, और सब चाय टाइम यह सब खाए छे, पता नहीं कौन पेट छोकर सबके। तोरे हाथ में जाओ। आते ही मेरा बैग खोला और लूट लिया इन लोगों ने सब कुछ। क्या लूट लिया ये देखा, ये लाया क्या है, ये जांट सी बोतल। साले इतना बदबू मारते हो, लगाओ खुशबू मारोगे, लड़कियां घूमेंगी इर्द गिर्द। चूज कर लिए, 3 चीजें बढ़िया लग रही हैं, ये छोड़ दे तेरे पापा का है। हाँ जी दोस्तों, तो होप सो आपको मजा आया होगा ये ब्लॉग देखने में, और ये दिल्ली टू कतार, कतार टू दिल्ली, और कतार ही होता है, मैंने देख लिया गूगल पे और सुन भी लिया।
तो इन ब्लॉग्स को करते हैं अभी एंड यहाँ पे, क्योंकि मैंने पहले भी बोला था ये सिर्फ ब्लॉगिंग का चैनल नहीं, मतलब इस पर सब कुछ आएगा। तो अगली वीडियो होगी हमारी रिएक्शन वीडियो। ऑनेस्टली बताऊँ अभी भी मेरे पास बहुत डेटा पड़ा हुआ है कतार से और दिल्ली का, दिल्ली से कतार का, बट ठीक है यार, इसको एंड करते हैं यहाँ पे। और अब अगली रिएक्शन वीडियो उसके लिए तैयार रहना, बहुत मज़े आने वाले हैं। और सॉरी थोड़ी लेट वीडियोज़ के लिए, बट आई लव यू, लव यू, लव यू, बाय बाय।